राजा। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं, मतलब यू कैन सी दिस इज द जैन मंदिर, और हमें मना कर दिया गया है। मम्मी की कसम के ना आप वीडियो वगैरह नहीं बना सकते, बट हमने ना फिर भी रिस्क ले लिए और हम बनाएंगे। वहाँ पर एक अंकल जी है, उन्होंने हमें पहले ही मना कर दिया कि आप वीडियो नहीं बना सकते, बट हमें ना बनाएंगे, कुछ भी हो जाए, जेल वगैरह हो जाए, कुछ जेल थोड़ी होगी यार। फ्रेंड्स आ जाओ, हाँ जेल को याद करो, जेल पुलिस वालों से बहुत पड़ती है मेरी। तो ये अभी वो हाँ शुरुआत यहीं से है ना। ये देखो यहाँ पर पहले पानी के फुहारे लगे होते थे ऐसे बड़े बड़े, बचपन में हाँ लगे तो है, लेकिन पानी होते नाइट में चलते नाइट में। अरे पानी तो नहीं है, अरे तो सर पानी तो भर जाता है नाइट में, एकदम हरी घास है ना इसका मतलब। यार। तो फ्रेंड्स ये रात को है ना इसका क्रियाकलाप होता है, और अभी तो है ना इसमें कुछ वैसा मेरे को तो कुछ अनुभव नहीं हो रहा यार। अभी लगता तो बहुत अच्छा लगता, बाकी आ जाओ अंदर। आप बंद कर लो अभी। स्कूल की तरफ से लेके हमको स्कूल की तरफ से आए घर के पास होते हुए भी स्कूल की तरफ से अच्छा हुआ मैं नहीं आया, और स्कूल से हमारी कितनी दूर थी। फ्रेंड्स ये चारों तरफ बैठने का साधन वगैरह है यार। मेरे को किसी ने बोला था कि जैन मंदिर चलेंगे, अब वो सारी बातें आपको बता दूं। तो फिर देखो यहाँ से वहां से बैठने का सारा सिस्टम है, वहां से ना वहां से लेके क्या नजारा है सब देखिए आप। फ्रेंड्स है ना अभी हम दोनों रंडवे है ना, और है ना क्या बताऊँ, बहुत अच्छी सी जगह है। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जगह इसके साथ आने के लिए तो नहीं है। कैमरामैन के साथ आने की तो नहीं है। शाम को आते के लोग आते के एंटर करने देते हैं। शाम को संडे वाले दिन तो यहाँ इतनी भीड़ होती है। हाँ तो मेला भर रहा हो जाए। अच्छा अभी तो धूप की वजह से खाली पड़ा है। हाँ। सारा का सारा ये है ना इंडिया में, तेरे को पता है सेकंड हाईएस्ट बड़ा जैन मंदिर है, सेकंड अपने घर के पास। इतनी ब्यूटीफुल क्या क्या बार है, 500 किलोमीटर दूर है। इधर वो क्या है, हाँ ये ऐसी जगह छोड़ दिया, मतलब कितना जबरदस्त आलिशान है यार, मतलब बहुत 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 जबरदस्त। खींचेंगे वो तो खींचेंगे वो तो, मेरे साथ यार भड़क रहा सर वीडियो। अभी वीडियो पे ध्यान दे कुत्ते। ये फ्रेंड्स देखो
ये क्या लिखा हुआ, दान। नहीं है क्या ही आहार दान, मतलब क्या है? इतना तो हमें पे पता नहीं है ज्यादा, बट ये ना ये महाराज को ये दान कर रहे हैं कुछ खाने पीने का, खाने पीने का दान कर रहे हैं शायद, इतना सा ये। आप आगे जाकर दिखा सकते हो, यू कैन सी दिस इज द महाराज। और ये शायद घर की औरत वगैरह है, इसे कांच के बक्से में से मतलब बंद करके रखा है मेरे जैसे कुत्तों से बचाने के लिए। और दान हाँ, मतलब कोई से आने वाले हमारे घर पे आने वाले किसी व्यक्ति को, या फिर ऐसे वो देना चाहिए ना, क्या बोलते हैं, खाने पीने के लिए वो ऐसा ही। हाँ, भिक्षा भिक्षा भिक्षा। ये क्या इसमें क्या नेक्स्ट, तप 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 याने होता है वो, क्या बोलते हैं, हाँ तपस्या है ना, जो महर्षि मुनि करते थे पिछले जमाने में। हाँ, मतलब ये तपस्या का है ना सारा का सारा, ये तपस्या का है। ये जैन धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म में मतलब यू नो बिल्कुल सार सब कुछ छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी दान कर देते हैं, कपड़े भी छोड़ देते हैं। और उसके बाद है ना, मतलब भगवान की क्या बोलते हैं उसमें, भगवान को खोजने के लिए, या भगवान ही बन जाते हैं। आई डोंट नो ज़्यादा तो, बट जितना मैं जानता हूँ उतना आपको बता सकता हूँ। ये तपस्या का है, तप करते हैं। अगला है संयम, संयम है ना। ये नेक्स्ट है संयम, क्योंकि ना ये हमारे संसार में ऐसा माना जाता है कि औरत के पीछे सब पागल है ना, मतलब औरत के सामने सारे वो टूट जाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, उनके भगवान से मिलने की जो इच्छा होती है वो औरत के जाल में फंस जाते हैं। बट इसमें ये बताया गया है कि आप कितना भी खूबसूरत होकर मेरे सामने आ जाओ, मेरे को मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ना, मतलब मैंने ये सारी चीज़ें ना इसे लीव कर दिया है। ये देखो, आप देख सकते हो ये जो महाराज है ये, और ये इनके सामने मतलब डांस वगैरह कर रही है अच्छे से सुंदर से कपड़े पहन के, तो वो उनकी आंखें बंद है, महाराज की जो आंखें बंद है बिल्कुल, उन्हें कुछ लेना नहीं है, वो अपने भगवान में खुश है। और ये सारा तामझाम ये इनको रिझाने की कोशिश कर, हाँ रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इन्हें मनमोहित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तीन सबक मतलब है ना, क्या क्या, एक तो दान, तप और संयम, ये तीन चीजें हमने यहाँ पर देखी। और अब चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आ चुके हैं देव पूजा में। देव पूजा में ना, यानी भगवान की पूजा, भगवान होता है भगवान की पूजा। अच्छा देव पूजा, देव पूजा का है सारा का सारा सिस्टम। चलो इसमें भगवान की पूजा होती है ना, मतलब भगवान से, ये भगवान से, भगवान की वो है गुरु, गुरु उपासना। गुरु उपासना में क्या होता है, अपने गुरु की क्या करते हैं आराधना। हाँ मतलब गुरु के, गुरु की उपासना से होता है शायद, मतलब गुरु को याद करना, अपने गुरु की सेवा करना। या हाँ सेवा करना, याद करना, ऐसे ही रिलेटेड होगा कुछ। अच्छा ये नेक्स्ट क्या है, ये सेवा कर रहे हैं। नेक्स्ट ये आ चुका है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब हाँ ये होता है भगवान को याद करना शायद, है ना, भगवान की क्या बोलते हैं इसे, पूजा करना, मतलब इस धर्म में से ऐसे होती है पूजा शायद, तो भगवान को याद किया जाता है। ये लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी क्या, संस्कृत और दोनों क्या। जहाँ पर योगी के ज्ञान में ज्ञानोपन हुआ, जागरणोपन है, दोनों हिंदी है, हिंदी लैंग्वेज में ये बुक लिखी हुई है सारी की सारी। ये महाराज नेक्स्ट चलो गया, अब हम ऊपर मंदिर की तरफ जा सकते हैं। वो तो बोल रहे हैं वीडियो वीडियो बनाना वगैरह बनना है सारा का सारा। अच्छा ऐसा है, यहाँ पर है ना एक केस हुआ था, ध्यान है तेरे को, मतलब यहाँ पर है ना एक लड़का और लड़की ने सुसाइड कर लिया था, उसके बाद है ना यहाँ पर आधार कार्ड वो कंपलसरी हुआ। आपको पता है हम कल वीडियो बनाने गए थे एक वहाँ पर हाई टाइम में, तो हाँ तो सर और सर सर वगैरह ने पकड़ लिया हमें, मनीष को, दोनों को बोल रहे लड़कियों की वीडियो बना रहे हो गए तो फिर ऐसी कई सारी प्रॉब्लम हो गई क्रिएट। इसका मेन मंदिर है, इसका मेन मंदिर है, यू कैन सी। एक बात पूछना चाहता हूँ मैं, अंजुमा तेरे से बात पूछना चाहता हूँ, कितने पैसे लगे होंगे। करोड़ों। हाँ करोड़ों, सोने का दरवाजा ही सोने का इनका, देखो सर रियल में। हाँ रियल में सोने का दरवाजा है सर ये, रियल में। नाउ देयर इज आल्सो वन यूट्यूबर यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ मी। ये इसका मेन गेट है, ये क्या है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंदर कर दो, अंदर मूर्ति है ना। हाँ हाँ उसका प्रॉब्लम है ना।